हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी, हमने एक ओजा गेम खेली थी, ओजा बोर्ड गेम खेली थी। और गाइस, इसको प्लीज़ अगर आपके मन में है इसको ट्राई करने की, तो प्लीज़ इसको कभी भी ट्राई मत करिएगा। मैं तो यही बोलूँगी, हमें भी पहले ये मजाक लग रहा था। जैसे हमने चार्ली चार्ली चैलेंज किया तो हमें लगा ओजा बोर्ड भी फेक ही होगा, इस वजह से हमने इस गेम को खेला। बट जो हमारे साथ हुआ ना, उसके बाद मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आपके माइंड में भी यही बात आ रही है कि आपको ट्राई करना चाहिए, तो प्लीज़ गाइस इसको अभी निकाल दो, इसको कभी ट्राई मत करना। ये ह्यूमन माइंड में ही होता है ऐसा कुछ कि जहाँ पे भी उसको कुछ क्यूरियोसिटी या एडवेंटेज लगता है ना, वहाँ पे उसका मन करता है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि उसको ना कुछ अलग सा जानना होता है। ठीक है, बट मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपके माइंड में आ रहा है तो इसको बिल्कुल निकाल दो गाइस। जब हमने ये ओजा बोर्ड खेला, उस गेम को 3 दिन हो चुके हैं गाइस, और इस 3 दिनों में मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। इट मीन्स मतलब पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मुझे लग रहा था ये फेक है और एक गेम है, लोगों ने यूँ ही इसको बोल रखा है इतना ज़्यादा। जब हमारे साथ ये हुआ तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके बारे में जानना है, और मैंने 3 दिन तक उसके बारे में पढ़ाई करी है। और उसके वो हमारे माइंड में बार बार वही हमें रिकॉल हो रहा था, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी गाइस। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको ना खेलें। और इसके ये जो ओझा बोर्ड है ना, इसका नाम पहले जो था वो प्लेनचेट था। प्लेनचेट के बाद 1890 में एक इसी का न्यू वर्जन आया, क्योंकि उससे जब लोग पुराने ज़माने के लोग जब उससे आत्माओं से बात करते थे तो कभी कभी उनका कनेक्शन नहीं हो पाता था या प्रॉपर से नहीं हो पाता था। फिर उन्होंने जब इसका एक न्यू वर्जन टाइप आया जिसका नाम है ओझा, जो हमने उस दिन खेला परसों, तो इसमें क्या होता है कि जो एक ओझा बोर्ड है ना, ये एक एलिजा करके एक लेडी थी, उन्होंने इसको सबसे पहले यूज़ किया, एक तरीके से इस्टेब्लिश भी उन्होंने किया। लेकिन कुछ टाइम बाद जो एलिजा है उन्होंने इसको चार्ल्स ने इसको एडॉप्ट कर लिया। उसके बाद इस पर चार्ल्स ने ही इसको मतलब मार्केट में लाया, और फिर उन्हीं का नाम आया कि इस चार्ल्स ने ही इसको इस्टेब्लिश किया है। और उसके बाद इसको ओझाई बोर्ड को एडॉप्ट कर लिया विलियम ने। तो आप देख रहे हैं गाइस कि मतलब कि पहले किसी और ने अडॉप्ट किया, फिर किसी और ने अडॉप्ट किया, फिर किसी और ने, मतलब कि जिसके पास भी ये रहा स्टार्टिंग में तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ। जब उसने इसको एक बिजनेस में लेकर आए, इसको एक ओझा बोर्ड को जब वो बिजनेस के उससे लेकर आए तो इन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ना फिर उनको बहुत ज़्यादा लॉस में वो जाने लगे, जिसकी वजह से वो ये जो बिजनेस है उनका ये किसी को अडॉप्ट करवा देते थे, वो खुद नहीं रखते थे। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सही नहीं है गाइस। उसके बाद आपने एक ज़ारा बेकर की कहानी स्टोरी सुनी होगी, आई डोंट नो, मैंने नहीं सुनी थी पहले क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था ये ओझा भी एक फेक है। बट जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो मैंने ज़ारा बेकर की पूरी स्टोरी पढ़ी है। इसमें एक लड़की होती है ज़ारा बेकर, जो कि टीनेजर होती है, वो भी अपने कुछ फ्रेंडों के साथ ऐसे ही मजाक में ये गेम खेलती है। क्या होता है कि वो स्पिरिट आती है, उनसे बात करती है गाइस, वो जो पूछते हैं उनके सवालों का जवाब भी वो देती है। लेकिन ना फिर वो लड़कियां ना उसका कुछ मजाक बनाने लगती हैं। मजाक बनाने के बाद क्या होता है कि जो ज़ारा होती है, जो इस गेम को जिसने स्टार्ट किया होता है, जिसका ये पूरा आइडिया होता है, उसके मुँह से सडनली ब्लड आने लगता है और इसकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। ये सब देख के उसकी फ्रेंड्स बहुत डर जाती है और इन द एंड उसकी डेथ हो जाती है गाइस। ये बहुत खतरनाक है, ये रियल है। आप अगर चाहें तो इसकी पूरी एक बुक है, आप पढ़ सकते हैं। इसकी मूवी आई थी 2014 में जो कि फ्लॉप हो गई थी, लेकिन 2016 में इसकी दोबारा मूवी आई है जो बहुत ही हिट गई है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं, और फिर भी आपको बिलीव ना हो तो आप गूगल पे भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और इसके ऊपर पूरी एक नॉवल भी लिखी गई है अगर आप जानना चाहते हैं तो। वैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी स्पिरिट को बुलाते हैं तो वो स्पिरिट आपके पास आती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पिरिट को बुला रहे हैं तो वो पर्टिकुलर स्पिरिट आपके पास आएगी। जैसे कि अलग अलग तरीके के गेम होते हैं, ठीक है, हमने जो गेम खेला उसमें सिर्फ हमने स्पिरिट बुलाई, हमको ये मतलब नहीं था कौन आए कौन जाए, ठीक है, हमें ये भी नहीं पता था कि आएगी कि नहीं आएगी, हम तो एक गेम की तरह खेलते थे। तो अगर आप किसी का नाम लिख के या नाम बोलकर उसको बुलाते हैं तो वो स्पिरिट आती है, आपसे बात करती है, आप जो भी उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको देगी, ठीक है। और अगर आप यूं ही बिना किसी के नाम का यूं ही हमारी तरह यूं ही मजे में खेलते हैं तो कोई भी स्पिरिट आ सकती है गाइस। वो इविल भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी आत्मा भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। हमारा गुड लक ये था कि वो जो भी स्पिरिट थी वो अच्छी थी, उसने सिर्फ एहसास कराया कि हाँ ये रियल है। और गाइस उसने हमसे बात भी करी, बट आई डोंट नो, हमारा कैमरा पहले ही ऑफ हो चुका था और फ़ोन भी हमारा बार बार ऑफ हो रहा था। एक्चुअली हमारा फ़ोन बंद था बट उसमें रिकॉर्ड हो रहा था, जब हम फ़ोन को ऑन करते थे तो वीडियो उसमें चल रही होती थी,
हमने फ़ोन को साइड में रखा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बट जब हमारी स्पिरिट से बात हुई है, उसने बकायदा हमसे बात करी है, वो चीज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। तो जब वो नहीं चाहता कि वो चीज़ रिकॉर्ड हो या वो आपके सामने आए, तो मैं भी उस बात को आपके सामने नहीं बता सकती कि उसने हमसे क्या बात करी। इन द केस अगर कोई बुरी ईमेल आ जाती है तो वैसे आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, वो आपको मार भी सकती है। और अगर गुड ईमेल आ जाती है तो जैसे कि उसने सिर्फ हमें एहसास कराया और हमने उसको सॉरी बोला, गुड बाय बोला, वो आराम से चली गई, ठीक है। उसने हमसे प्रॉमिस किया कि मैं जा रही हूँ आज के बाद, मैं कभी परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। हमने भी उससे प्रॉमिस किया कि हम भी आज के बाद कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, जो भी है। उसके बाद उसने हमें बहुत कुछ समझाया लाइफ के बारे में कि लाइफ बहुत प्रीसियस है, सो प्लीज़। उसने बहुत सारी बातें करी गाइस। और अगर कोई गुड इवेंट आ जाती है तो आप उससे जो भी पूछेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, पास्ट प्रेजेंट, जो भी आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगी। यू नो, उनके पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जिसके वजह से आपको वो ये सब बता सकते हैं। हाँ, जो हमारे पास आई थी वो भी एक गुड स्पिरिट थी। अगर हम चाहते तो हम उससे कुछ भी पूछ सकते थे, बट यू नो गाइस, उस समय की सिचुएशन ऐसी थी ना, हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। एक तो हम अकेले, ऊपर से जो हमारे साथ गेम खेल रहा था दानिश, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइस, 5 मिनट तक तो सांस नहीं आई। यू नो, हमने उसको बहुत रगड़ा, उसके पास जाके उसकी थोड़ी सी सांस आई, हम बहुत डर गए थे। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम स्पिरिट से पूछें क्या। पूछना तो छोड़, हमें तो बस ये लग रहा था कि बस हम इस किसी तरह यहाँ से बाहर निकलें। तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है ना गाइस, सो प्लीज़ अभी निकाल दो, बिल्कुल भी नहीं। ये जानलेवा भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बट मोस्टली ये जानलेवा हो सकती है। मैंने एक जो इसकी बुक पढ़ी है, और जहाँ की ये मैंने बुक पढ़ी है, उसमें गाइस पता नहीं अनगिनत लोग इसकी वजह से अपनी जान दे चुके हैं। यू नो, अच्छी स्पिरिट आती है तो ओके है, ठीक है, आप उसे जो पूछेंगे। अगर बुरी स्पिरिट आ जाती है गाइस, वो नहीं जाती, और वो आपका उठना बैठना सोना, यू नो, आप खुद सोचो, आप सो रहे हो और आप जब आंखें खोलो तो वो आपके सामने है। आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। और जब आपको ये पता होगा कि वो आप पे नज़र रख रही है, आपके आसपास ही है, या आपको कुछ नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं रह सकते। आप कहीं पर भी चले जाएं, आप नहीं रह सकते। सो प्लीज़ इसको कभी भी ट्राई मत।